अभी ये भी आग सेक रहा है देखो बैठ के आराम से। तो अभी हमने इनसे पूछा तो इस सर्दियों में भी यहीं पे रहते हैं और गर्मियों में भी, देखो सर्दियों में इतनी इतनी बर्फ है ना फिर भी यहीं पे रह रहे हैं। तो अब इस मौसम को अलविदा कहने का टाइम आ चुका है और अब हमें जाना पड़ेगा घर। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और एकदम ठीक ठाक होंगे। तो रात को मैं आया था मंडी क्योंकि आज मैंने जाना है कैंपिंग के लिए। कैंपिंग के लिए क्या मतलब, घूमने बर्फ़ में, और वो भी मैं अकेला जा रहा हूँ क्योंकि कोई साथ हुआ नहीं, कोई था नहीं साथ जाने वाला। तो इस वजह से मैं तैयार हुआ, मैं जाता हूँ इस बार अकेला, देखूंगा कैसा एक्सपीरियंस रहता है कैसा नहीं। सो जल्दी जल्दी कपड़े कर लेते हैं चेंज, तीन तक गिने में कपड़े चेंज हो जाएंगे, 1, 2 और 3। तो भैया जी हो चुके हैं रेडी, बस निकलते हैं, लगभग टाइम हो चुका है 11। तो तेल भी डलवाना था, वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके बिना अगर स्कूटी में तेल नहीं रहता तो वहाँ से पैदल लानी पड़ती स्कूटी। तो चलो जल्दी जल्दी हम निकलते हैं यहाँ से, ठीक है? तो गाइस जल्दी जल्दी निकलते हैं यहाँ से, वहाँ पहुँचने में भी एक बहुत टाइम लग जाएगा और हमारे साथ अब एक और मेंबर जुड़ चुके हैं तो उनको कैमरे में आना पसंद नहीं, इसलिए मैंने कहा नहीं चल रहे हैं दमातिया। तो बस जल्दी जल्दी निकलते हैं यहाँ से, ठीक है? फिर हम अपनी डेस्टिनेशन पे भी तो पहुँचना है। तो सामान वहाँ रेडी हो गया, बस निकलते हैं यहाँ से, ग्लोव्स लगा लेते हैं ठंडे बहुत ज़्यादा। तो चलो, तो हम आ चुके हैं फिर से अपने भाई के पास, यहाँ से लेते हैं चाय और गरम गरम पाकर खानी, देख सकते हो गरम गरम बाकर खाने। तो चलो अभी तो हमारे भाई मिल चुके हैं यहाँ पे। क्यों भाई? ये बाकर खानी मैंने समीर भाई के लिए स्पेशल लगा, मैंने इनको सुबह फोन कर दिया था तो इन्हें पूरी तैयारी कर दी है, ठीक। तो भैया जी ठंड बहुत ज्यादा, बर्फ देख सकते हो, कैमरा मैन को फोन पकड़ा दिया, बस थोड़ा सा दूर रह गए, लगभग 10 मिनट और लग जाएंगे हमें वहाँ तक पहुँचने में, फिर मिलते हैं आपसे। तो एट द एंड हम पहुंच चुके हैं, लेकिन सीन अब ये हो गया कि रास्ते में पड़ा है कोहरा, ठीक है? स्कूटी हमें यहाँ लगानी पड़ी, तो अब यहाँ से सीधा आगे चलते हैं, अपना सामान सब कुछ ले लिया, ठीक है? चलो, रोड आगे साफ थी लेकिन कुछ टाइम तक रोड ख़राब थी, इस वजह से मैं नहीं लेके गया। यहाँ से व्यू देखो नीचे का, लग रहा है ना पूरा कश्मीर, कश्मीर ही तो है वैसे। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, देखो ऐसा रास्ता है यहाँ पे, जो पहले लोग चलते हैं ना उन्होंने रास्ता थोड़ा थोड़ा बनाया, लेकिन वहीं पे पैर स्लिप हो रहा है, वही सीन है पूरा। तो पार देखो घर, वो सारे लोग हमें देख रहे हैं कि पागलों की तरह कहाँ जा रहे हैं। तो कहीं रास्ता ढूंढते हैं, पहले सबसे पहले चाय पियेंगे, ठीक है? तो फिर देखते हैं। तो अभी पी रहे हैं चाय, कसम से बहुत ही टेस्टी चाय यार, भाई ने बहुत ही प्यारी चाय बना के हमें दी है, उसको पता था बर्फ़ में जा रहे हैं और पीछे देखो धूप भी निकल आई है, अब अच्छा व्यू आएगा और अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। बैठने की जगह नहीं इसलिए हमने कहा खड़े खड़े पी लेते हैं, फिर जगह ढूंढेंगे बैठने की, फिर आगे का सीन बताएंगे आपको, ठीक है? तो अभी हमें यहाँ एक चाचू मिले हैं, तुम इतने ही रहने हो? तो अभी इनको चाय वाय दी, ये और भी बहुत सारे बंदे आए हैं पुंछ से। तो अच्छा पुंछ केड़ी जगह? अच्छा कॉलेज कोल, अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ा ही प्यारा व्यू। अब हम सोच रहे हैं थोड़ा नीचे जाएं उस साइड, थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी वहाँ जाने से पहले क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है। देखो लास्ट टाइम हम ऊपर वाली साइड गए थे वो पार ऊपर, इस बार हम नीचे से पुल से पार जा रहे हैं। हमने चाचू से पूछा, वो बोलते हैं यहाँ से रास्ता थोड़ा सा ही दूर है लेकिन ऊपर जाने का रास्ता है, वो जो ऊपर वाली जगह दिख रही है ना वहाँ पे। तो हमने अच्छा वहीं पे चलते हैं यार, वहीं पे बैठेंगे, चलो फिर जल्दी जल्दी चलो। ये देखो क्या हमने हालत कर दी है, बर्फ़ की बिल्कुल प्लान थी और हमने ये हालत कर दिया, अब बस चल रहे हैं ऊपर, चलो। तो ये वो लोकेशन जहाँ पे हमें आना था, ठीक है? तो पहुँच चुके हम अपनी जगह पे, मेन जगह जहाँ पे हमें आना था, देख सकते हो पीछे बर्फ़, ठीक है? तो ये लोरन से आगे लगभग 10 किलोमीटर है, ठीक है? चलो अब आगे, ओ भाई पैर पूरा डूब रहा है अंदर, ये देखो ये देखो। तो जिस जिसको इंजॉय करना है ना फरवरी तक, मैं कह सकता हूँ आप यहाँ पे आ सकते हो लोरन या सब्जियाँ कहीं भी, बट मेरे को पर्सनली ना लोरन ज़्यादा प्यारा लगता है। देखो पीछे का व्यू, थोड़ा थोड़ा सन भी दिख रहा है ना और इसलिए व्यू प्यारा आ रहा है। अब हम सोच रहे हैं थोड़ा सा आगे जाएंगे, ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि पाँव पूरे ठंडे हो चुके हैं, तो बर्फ़ पाँव के अंदर चलेगी यार, बीमार होने का खतरा है। तो बस थोड़ा इन्जॉय करके फिर निकलेंगे घर पे क्योंकि बारिश के आसार भी हैं यहाँ पे थोड़े। तो चलो बिरयानी भी लाइए साथ में, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है? चलो, और मैं सबको थैंक यू ही कहना चाहूँगा क्योंकि नए नए मेंबर जुड़ रहे हैं अपनी फैमिली में ना, यूट्यूब फैमिली में, जो सब्सक्राइब कर रहे हैं और उन्हें वीडियो भी पसंद आ रही है, तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से क्योंकि ऐसी सपोर्ट की मेरे को ज़रूरत है यार। मैं चाहता हूँ सारे सपोर्ट करें और जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर करें। देखो इतना पैर डूब रहा है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं आया हूँ आपके लिए, वो बात अलग है, खुद के मज़े के लिए भी आया हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैंने यही सोचा था कि वीडियो बनाने आऊँगा और इनको अच्छे से अच्छा व्यू बताऊँगा। तो अभी अभी ये वाला घर मिला, वही लाल वाला जो घर बता रहा था रेड। तो सीन ये ताले बजे घर पे, हमने सिर्फ बाहर बरांडा हमें चाहिए था, ऐसी खाली जगह जहाँ पे बिल्कुल बर्फ़ ना हो हम बैठ पाए। तो बस बैठते हैं यहाँ पे, टाइम हो रहा है अभी पता है कितना, 1, बहुत टाइम लग गया। हम घर से निकले थे 12 बजे शायद,
एक नहीं हो गया भाई साहब, टाइम हो गया 1:40। अभी जल्दी जल्दी खाते हैं बिरयानी जो कि बहुत ही टेस्टी बनी होगी। उसके बाद यहाँ का व्यू बता दूँ, देखो कितनी बर्फ़ है। अभी एक अंकल से मैंने पूछा यहाँ पे है कोई, बोलते नहीं, आप बैठ जाओ आराम से। तो देखो व्यू बाहर का। तो अब डाल लेते हैं बिरयानी, डालते हैं पानी की बॉटल भी लाए थे, मुझे पता था पानी नहीं होगा वहाँ पे, तो चलो डालो। तो देखो भाई साहब ये अपनी बिरयानी और चिकन, वो गर्म है ना यार। तो बिरयानी आ चुकी है अपने हाथ में, तो खाते हैं इसको यहाँ पे अच्छे से स्पूट ले गए। चलो फिर जल्दी जल्दी खाते हैं। तो इस व्यू के साथ ना खाना खाने में मज़ा डबल हो जाता है, और जब बिरयानी हो ना मज़ा ट्रिपल हो जाता है। बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनाई है, मानना पड़ेगा यार, जल्दी जल्दी में बनाई थी, बड़ी टेस्ट बहुत है। तो ये हमें छोटी सी बहुत प्यारी प्यारी बच्ची मिली थी, तो बिरयानी वेस्ट नहीं करनी थी, हमने इसको भी दे दी, तो आराम से खा रही है। देखो यार कितनी प्यारी लग रही है, इतना प्यारा मौसम और यहाँ पे हम जला रहे हैं आग। तो ये हमें छोटा सा एक प्यारा सा बच्चा मिला, देखो तो कितना प्यारा ये। हेलो करो, हेलो हेलो, ये कुछ नहीं बोलेगा। तो अभी हम आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इसका अगर वो सामने पा रहा है, तो यहाँ पे आया था अपनी दीदी के साथ, वो गए हैं थोड़े लिफाफे लाने, हमने उनको कहा था आग जलानी है, तो इस वजह से हमें लिफाफे ला के, तो वो गए हैं लाने के लिए, तो इसको हमने यहीं पे रख दिया। ठीक है, ठीक, ओके। देखा सीरी ला रहे। तो बहुत टाइम बाद आग जल चुकी है यहाँ पे, अब हाथ अच्छे से सेक लेते हैं फिर निकलेंगे यहाँ से। तो अब हम पाँव अच्छे से गर्म कर लेते हैं क्योंकि ठंडे ठार हो चुके हैं भाई साहब। ओहो अभी ये भी आग सेक रहा है, देखो बैठ के आराम से। तो जब बर्फ़ ज़्यादा हो जाती है ना, तो इस वाले इससे बर्फ़ नीचे उतारते हैं। अभी यहाँ पे पूरा भरा हुआ था, तो इन्हीं जस्ट अभी खाली किया यहाँ से पूरा। तो आग भी सेक लिया, शूज़ भी गर्म कर लिए, पैंट भी गर्म कर ली, सब कुछ। तो बस कुछ ही टाइम में अब निकलेंगे, इस व्यू को हमें अलविदा कहना पड़ेगा। और ये हमें छोटा सा प्यारा सा एक बच्चा मिला यहाँ पे। बहुत प्यारा है, बाय बाय। तो अभी हमने इनसे पूछा, तो इस सर्दियों में भी यहीं पे रहते हैं और गर्मियों में भी, देखो सर्दियों में इतनी इतनी बर्फ़ है ना, फिर भी यहीं पे रह रहे हैं। तो अभी केक है हमारे पास, ये खा लेते हैं। तो अब इस मौसम को अलविदा कहने का टाइम आ चुका है, और अब हमें जाना पड़ेगा घर घर घर। तो चलो चलते हैं, हम सीधा निकलते हैं यहाँ से नीचे, वो रोड यहाँ से लगभग 10 मिनट दूर है, तो वहाँ सीधा बैठेंगे स्कूटी में, फिर सीधा घर निकलेंगे। ओके मंडी कल मिलने जाना है पूंछ, तो पहले चलते हैं वहाँ, फिर मिलते हैं आपको। तो वो वाला घर था जहाँ पे हम रह रहे थे, बस अब हम निकलते हैं यहाँ से, रोड तक पहुँचते पहुँचते भी हमें टाइम लग जाएगा ना इस वजह से। चलो यहाँ के घर देखो ना, पता क्या सीन है, ऐसी लकड़ियाँ ही यहाँ पे लगा के रखते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कब ज़रूरत पड़ जाए लकड़ियों। और ये देखो मुर्गे, ये इन्हें घर पे ही पालते हैं, यहीं पे बनाते हैं, यहीं पे खाते हैं। अब ये कहाँ जाएंगे, नीचे मार्केट में वहाँ से लाएंगे। और मैंने आपको कहा ना, ये 12 के 12 महीने यहीं पे रहते हैं, तो मेरे लिए अगर लाइक नहीं कर सकते, इन लोगों के लिए लाइक कर दो। वो इतना प्यारा बच्चा हमें यहाँ पे मिला, उसके लिए लाइक कर दो। और अगर ज़्यादा पसंद आ रही है ना, कमेंट कर देना। तो अब हमें जाना पड़ेगा इनको अलविदा कह के। तो पहुँच चुके हैं मेन रोड पे, बस यहाँ से 5-1 मिनट चलना है, फिर सीधा हम पहुँचेंगे कहाँ पे, अपनी स्कूटी के पास, फिर वहाँ से सीधा मंडी, फिर करेंगे थोड़ा सा रेस्ट। चलो मैं सिर्फ दो, मतलब बहुत सारे बंदे कमेंट करते हैं, लेकिन मेन जो दो मेरे को नज़रों के सामने रहते हैं ना, एक है आर्यन शर्मा और दूसरा है अपना अजहर भाई, वो महेंद्र से बिलोंग करते हैं, हर वीडियो में कमेंट करते हैं और बड़े तगड़े तगड़े कमेंट करते हैं, दिल से थैंक यू उनको भी। और जो न्यू मेंबर आ रहे हैं उनको भी थैंक यू दिल से। ठीक है, तो पहुंच चुके हैं स्कूटी के पास, वह पीछे स्कूटी। चलो तो अभी अभी जस्ट हम मंडी से थोड़ा सा पीछे उतरे हैं, क्योंकि बैक साइड की मेरी खस्ता हालत हो चुकी है यार, एक तो बर्फ़ पे बैठा, ऊपर से स्कूटी पे वहाँ से बैठ गया। लेकिन एक फ़ायदा, स्कूटी पूरी ऊपर से यहाँ तक बंद आई है, लगभग सिर्फ 10 या 15 रुपये का तेल खाया होगा, जाते वक्त तो पूरे तेल पर गई थी, लेकिन आते वक्त पूरी बंद आई है स्कूटी। तो पहुंच चुके हैं हम घर पे, कपड़े वपड़े चेंज कर लिए क्योंकि गीले हो गए थे ना, बर्फ़ में गए थे तो सिंपल सी बात है गीले तो होने थे। तो यहाँ पे करते हैं हम ये व्लॉग दी एंड। तो आपको व्लॉग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना,